नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सक्सेस गुरु मंत्रा में बहुत आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूजा तिवारी जी, इला शुक्ला जी, सुनीता जी, प्रांजल जी, श्रीम जी, संतोष जी, उपदीप जी, तुलसी जी, श्रीम जी, लक्ष्मी जी, रीनू जी, किशन जी, प्रांजल जी, दीपाली यादव जी, दिलखुश जी, कंचन लता जी, अंतिम बाला जी, संतोष जी, ममता जी, जितेंद्र जी, मोनू त्रिपाठी जी, यस जी, हेमंत जी और मोनाली जी, सागुफ्ता जी, पवन शर्मा जी, सुनील जी, आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद आपके अच्छे अच्छे कमेंट्स के लिए। बाकी सभी सब्सक्राइबर्स का, व्यूअर्स का थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करेंगे रामचंद्र शुक्ल जी की बुक में मीराबाई के बारे में। ठीक है, मीराबाई के बारे में भी कई चीजें पूछी जाती हैं। मीराबाई ये मेड़तिया के राठौर रत्न सिंह की पुत्री, राव दूदा जी की पौत्री और जोधपुर में बसाने वाले प्रसिद्ध राव जोधा जी की प्रपौत्री थी। ठीक है, इनका जन्म संवत 1573 में चोकड़ी नाम के एक गांव में हुआ था और विवाह उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज की जी के साथ हुआ था। ठीक है, सबसे पहले तो इसमें सबसे जरूरी है इनका सन याद रखना, है ना। इनका जन्म कहाँ हुआ था, जन्म हुआ था 1573 में। ठीक, 1573 में चोकड़ी नामक गांव में उदयपुर, और विवाह हुआ था उदयपुर के महाराणा कुमार भोजराज जी के साथ। ये आरंभ से ही कृष्ण भक्ति में लीन रहा करती थी। विवाह के उपरांत थोड़े दिनों में इनके पति का परलोकवास हो गया। ये प्रायः मंदिर जाकर उपस्थित भक्तों और संतों के बीच श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति के सामने आनंद मग्न होकर नाचती और गाती थी। कहते हैं कि इनके इस राजकुल विरुद्ध आचरण से इनके स्वजन लोक निंदा के भय से इनसे रुष्ट रहा करते थे। जब ये इस तरह के मतलब कुल विरुद्ध आचरण करती थी, साधारण लोगों के सामने मंदिर में जाके नृत्य करती थी, तो जो इनके स्वजन थे, इनके परिजन थे, परिवार वाले थे, उनको ये डर लगता था कि इस वजह से उनको लोक निंदा का भाजक बनना पड़ेगा। इसलिए वो मीराबाई से रुष्ट रहा करते थे, क्रोधित रहा करते थे, है ना। स्त्रियों का इस तरह से सार्वजनिक रूप में नृत्य करना, वैसे भी उस समय सोचिए इतने टाइम के पहले काफ़ी समस्या की बात रहती होगी, और उसके ऊपर ये तो मतलब राजकुल की थी। यहाँ तक कि कहा जाता है कि इन्हें कई बार विष देने का प्रयत्न किया गया। मीराबाई सुनती थी नहीं, उन्हें मतलब अपनी कृष्ण भक्ति में ही लीन रहती थी, तो परिवार वालों ने कई बार क्रुद्ध होकर इन्हें विष देने की भी कोशिश की, पर भगवत कृपा से विष का कोई प्रभाव इन पर नहीं पड़ा, है ना। घर वालों के व्यवहार से खिन्न होकर ये द्वारिका और वृंदावन के मंदिरों में घूम घूम कर भजन सुनाया करती थी। जहाँ जाती वहाँ इनका देवियों का सा सम्मान होता। हालांकि जिस तरह का इनका आचरण व्यवहार था, इनका जो सम्मान था वो देवियों के समान होता था, लेकिन फिर भी इनका इस तरह का आचरण इनके स्वजनों को राजकुल की परंपराओं के विरुद्ध लगता था। ऐसा प्रसिद्ध है कि घर वालों से तंग आकर इन्होंने गोस्वामी तुलसीदास जी को ये पद लिख कर भेजा था, है ना। जब ये अपने घर वालों से, कई बार होता है कि जब हम अपने अपने ही परिजनों से तंग हो जाते हैं ना, तो हमें रास्ता नहीं समझ आता है। जब ऐसा ही मीराबाई जी के साथ हुआ तो उन्होंने पत्र लिखा। किसे लिखा, पूछा जाता है, गोस्वामी तुलसीदास जी को, है ना। क्या लिखा उन्होंने पत्र में, स्वस्ति श्री तुलसी कुलभूषण दूसन हरण गुसाई, बारह ही बार प्रणाम करहूं, अब हरहूं शोक समुदाय। घर के स्वजन हमारे जेते सबन उपाधि बढ़ाई, साधु संग अरु भजन करत मोहि देत कलेश महाई।
पूरी बात उन्होंने लिख दी कि हमारे स्वजन जो हैं साधुओं के संग भजन करने पे मुझे क्लेश देते हैं। ठीक है मात पिता के सम हो, मेरे मात पिता के सम हो हरि भक्त ही सुखदाई, तुमको कहाँ उचित करिबे है सो लिखिए समझाई। ठीक है, उनको समझ नहीं आ रहा था तो उन्होंने कहा तुलसीदास जी से कि आप मेरे माता पिता के समान हैं और जो हरि के भक्त हैं उनको सुख देने वाले हैं, तो मेरे लिए क्या उचित होगा ये आप मुझे समझाएं। इस पर गोस्वामी जी ने विनय पत्रिका का ये पद लिखकर भेजा था उत्तर में, है ना। इस पर तुलसीदास जी ने उन्हें क्या जवाब दिया, जाके प्रिय न राम वैदेही, है ना, जाके प्रिय न राम वैदेही सो नर तजी है कोटि बैरी सम यद्यपि परम स्नेही। मतलब आपका परम स्नेही होने पर उस नर को, उस मनुष्य को त्याग देना चाहिए जिसको राम और सीता प्रिय ना हो। ठीक है, नाते सबे राम के मनियत श्रुदय सुसेव्य कहां लो, अंजन कहां आंख जो फूटे पहु तक कहां कहो कहां लो। पर मीराबाई की मृत्यु द्वारिका में संवत 1603 में हो चुकी थी, अतः यह जनश्रुति किसी कल्पना के आधार पर ही चल पड़ी है। मतलब मीराबाई जी 1603 में मृत्यु को प्राप्त हो चुकी थी, तो ये जनश्रुति ही है जो किसी कल्पना के आधार पर चली थी। मीराबाई की उपासना माधुर्य भाव की थी, अर्थात वे अपने ईष्ट देव कृष्ण की भावना प्रियतम या पति के रूप में करती थी। पहले ये कहा जा चुका है कि इस भाव में उपासना में रहस्य का समावेश अनिवार्य है, है ना। मतलब जब वो प्रियतम अपने मतलब कृष्ण भगवान को अपने प्रियतम या पति के रूप में जब मान रही हैं, तो आपको पहले के वीडियोस में जब मैंने पढ़ा था तो उसमें बताया गया था कि जो उपासना का ये रूप होता है इसमें रहस्य का समावेश जरूर होता है। इसी ढंग की उपासना का प्रचार सूफी भी कर रहे थे, अतः उनका संस्कार भी इन पर अवश्य कुछ पड़ा। सब लोग इन्हें खुले मैदान मंदिरों में पुरुषों के सामने जाने से मना करते थे, है ना। वो कहते थे कि पर पुरुष के सामने इस तरह से आप मत जाएं, क्योंकि उस समय मुगलों का शासन देश पर था और मुगलों के आने के बाद ही स्त्रियों पर ये पर्दा प्रथा बहुत ज़्यादा मतलब लगाई जाने लगी थी, और इनसे भी कहा जाता था कि आप पर पुरुषों के सामने मत जाइए। तब वे कहती थी कि कृष्ण के अतिरिक्त और पुरुष कौन है जिससे के सामने मैं लज्जा करूँ। तब मीराबाई जी उनको जवाब यही देती थी कि मैं कृष्ण के सिवा किसी और को पुरुष ही नहीं मानती, और जब मैं पुरुष नहीं मानती तो मैं लज्जा क्यों करूं। मीराबाई का नाम भारत के प्रधान भक्तों में है और इनका गुणगान नाभादास जी, ध्रुवदास जी, व्यास जी, मलूकदास जी आप शब्द भक्तों ने किया है। इनके पद कुछ तो राजस्थानी मिश्रित भाषा में है और कुछ विशुद्ध साहित्यिक भाषा में, पर सब में प्रेम की तल्लीनता समान रूप से पाई जाती है। इनके बनाए चार ग्रंथ कहे जाते हैं, नरसी जी का मायरा, गीत गोविंद का टीका, राग गोविंद और राग सोरठा। ठीक है, दो पद दिए गए हैं इनके, नीचे देख लेते हैं। ये पद तो शायद सबको पता होंगे, मीराबाई जी के बहुत छोटी क्लास में भी आते हैं ये। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने रसा, मोर मुकुट मकरावत मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल, अधर सुधारस मुरली राजति उर बैजंती माल। पूरे रूप का वर्णन किया है यहाँ पे मीराबाई जी ने। छुत्र घंटिका कटि तट शोभित नुपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई भक्त वचल गोपाल। और दूसरा ये देख लीजिए, मन रे परस हरि के चरण सुभग शीतल कमल कमल कोमल त्रिविधा ज्वाला हरण,
जो चरण प्रहलाद पर से इंद्र पदवी हरण, जिन चरण ध्रुव अटल कीनो राख अपनी शरण, जिन चरण ब्रह्मांड भेट्यो नख शिखो श्री भरण, जिन चरण प्रभु परस लीन्यो तरी गौतमी गौतम घरन, जिन चरण धार्यो गोवर्धन गर्भ मधवा हरण, दास मीरा लाल गिरधर अगम तारन तरन। ठीक है, मीरा बाई जी के बारे में इतनी जानकारी तुलसी शुक्ल जी ने दी है। शुक्ल जी से आप पुराने पेपर सभी जो लेटेस्ट हो रहे हैं उनको उठा के देखिए, बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, बहुत इंटरनल प्रश्न अब इस पुस्तक से पूछे जा रहे हैं। चलिए बात करते हैं स्वामी हरिदास जी की। ये महात्मा वृंदावन में निम्बार्क मतांतर्गत टट्टी संप्रदाय के संस्थापक थे और अकबर के समय में एक सिद्ध भक्त और संगीत कला गोविंद माने जाते थे, है ना। निम्बार्क संप्रदाय में थे, वृंदावन में रहते थे और टट्टी संप्रदाय के संस्थापक थे। अकबर के समय में एक सिद्ध भक्त थे और संगीत कला गोविंद माने जाते हैं। संगीत का भी इनको बहुत बढ़िया ज्ञान था। इनका कविता काल की बात करें तो संवत 1600 से 1617 ठहरता है। प्रसिद्ध गायनाचार्य तानसेन इनका गुरुवत सम्मान करते थे। ठीक है, हरिदास जी का तानसेन गुरुवत सम्मान करते थे। ऐसा प्रसिद्ध है कि अकबर बादशाह साधु के वेश में तानसेन के साथ इनका गाना सुनने के लिए आया करते थे। अब ये पंक्ति महत्वपूर्ण हो जाती है, ये पंक्ति आपसे पूछी जा सकती है। अभी शायद ये ज़्यादा पेपर प्रश्न पत्रों में उठाई नहीं गई है, लेकिन आगे के लिए संभावित है, तो आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, ठीक है। कहते हैं कि तानसेन इनके सामने गाने लगे और उन्होंने जानबूझ के गाने में कुछ भूल कर दी। तब इस पर स्वामी हरिदास ने उसी गान को शुद्ध करके गाया। ठीक है, क्योंकि गुरुवत मानते थे और एक बार तानसेन ने इनके सामने गाना गाया और जानबूझ के गाने में थोड़ी सी भूल कर दी, फिर हरिदास जी ने उस गाने। इस युक्ति से अकबर को इनका गाना सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। पीछे अकबर ने बहुत कुछ पूजा चढ़ानी चाही पर इन्होंने स्वीकृत ना की। मतलब चढ़ावा चढ़ाना चाहते थे या जो कुछ देना चाहते थे इन्होंने लेने से मना कर दिया। इनका जन्म संवत आदि कुछ ज्ञात नहीं है, पर इतना निश्चित है कि ये सनाट्य ब्राह्मण थे और जैसा कि सहचरी सरनदास जी ने जो इनके शिष्य परंपरा थे उन्होंने लिखा है। वृंदावन से उठकर स्वामी हरिदास जी के जी कुछ दिन निधुवन में रहे थे। ठीक है, वृंदावन के बाद हरिदास जी कुछ दिन निधुवन में रहे थे। इनके पद कठिन राग रागनियों में गाने योग्य हैं, पढ़ने में कुछ उबड़ खाबड़ लगते हैं, पद विन्यास भी और कवियों के समान सर्वत्र मधुर और कोमल नहीं है। अब ये देखिए, ये कुछ स्पेशल बात यहाँ पर इनकी हमारे सामने आ रही है। इनके पद कैसे थे? कठिन राग रागनियों में गाने योग्य थे, कुछ उबड़ खाबड़ थे और ये देखिए गल खिंची लाइन, ठीक है, सर्वत्र मधुर और कोमल नहीं है। हमारे जो एग्जामिनर्स हैं इसी तरह की मोस्टली लाइन पकड़ते हैं, आप देख लीजिएगा, पर भाव उत्कृष्ट हैं। इनके चार इनके पदों के चार संग्रह हरिदास जी के ग्रंथ, स्वामी हरिदास जी के पद, हरिदास जी की वाणी आदि नामों से मिलते हैं। चलिए एक पद का उदाहरण देख लेते हैं, एक सेकेंड। ज्यों ही ज्यों ही तुम राखत हो,
त्यों ही रहियत हो हे हरि, और अप्रचे पाए धरो सुतों कहो कौन के पैड भरी। यद्यपि हो अपनो भायो कियो चाहो, कैसे कर सको तुम राखो पकरी। हे कहे हरिदास पिंजरा के जानवर लो, तर फराए रहे उड़ीबे को केतु कर के कितु कितो करी। पहले ही बताया गया कि इनके जो पद हैं वो थोड़े से उबड़ खाबड़ हैं, ठीक है। इनकी पहचान आप इसी तरह से कर सकते हैं, पद पूछे जा सकते हैं, क्योंकि अब हमारा आयोग अपना दायरा पूछने का काफ़ी विस्तृत कर रहा है। सूरदास मदन मोहन, ये अकबर के समय के में संडीले के अमीन थे, जाति के ब्राह्मण और गौड़ी संप्रदाय में वैष्णव थे। ये जो कुछ पास में आता प्रायः सब साधुओं की सेवा में लगा दिया करते थे, है ना। कहते हैं कि एक बार संडीले के तहसील की माल गुजारी के कई लाख रुपए सरकारी खजाने में आए थे, और इन्होंने सबका सब साधुओं को खिला पिला दिया, और खजानी शाही खजाने में कंकड़ पत्थर पत्थरों से भरे संदूक भेज दिए, जिनके भीतर कागज की ये चिट लिख कर रख दी, ठीक है। और ये जो चिट लिख के भेजी थी ये पूछी जा सकती है, इसलिए इसको ध्यान रखिएगा आप। इतना महान काम किया था इन्होंने निडर होके। 13 लाख संडीले आए, सब साधु मिल गटके, सूरदास मदन मोहन आधी रात ही सटके। बढ़िया लिख के भी रखा था इन्होंने। और आधी रात को उठकर कहीं भाग गए। बादशाह ने इनका अपराध क्षमा करके इन्हें फिर बुलाया, पर ये विरक्त होकर वृंदावन में रहने लगे। इनकी कविता इतनी सरस होती थी कि इनके बनाए हुए बहुत से पद सूर सागर में मिल गए। इनकी कोई पुस्तक प्रसिद्ध नहीं है, कुछ फुटकल पद लोगों के पास मिलते हैं। इनका रचना काल 1590 से 1600 के बीच अनुमान किया जाता है। इनके दो पद नीचे दिए जा रहे हैं। पहला ही पद इतना बढ़िया था, सटके गटके, ठीक है। मधु के मतवारे श्याम, खोलो प्यारे पलकें, शीश मुकुट लटा छुटी और छुटी अलकें, सुर नर मुनि द्वार ठाड़े, दरस हेतु कलकें, नासिका के मोती सोहे, बीच लाल ललकें, कोटि पीतांबर मुरली कर, श्रवण कुंडल झलकें, सूरदास मदन मोहन दरस देहो भलकें, नवल किस, और दूसरा पद देख लीजिए, नवल किशोर नवल नागरिया, अपनी भुजा श्याम भुज ऊपर, श्याम भुजा अपने उर्धरिया, ठीक। करत विनोद तरन तनिया तट, श्यामा श्याम उमग रस भरिया, हाँ लपटाई रहे उर अंतर, मकरत मनि कंचन ज्यो जरिया। उपमा को घन दामिनी नाही, करदब कोटि बारने करिया, सूर मदन मोहन बलिजोरी, नंद नंदन ब्रसभान दुलरिया, ठीक है। थोड़ा सा आप लोग ये मत देखिएगा कि पुराने पेपरों में अभी ये प्रश्न आए हैं कि नहीं, आप लोग नेट के 2 साल के पेपर उठा के देख लीजिए कि आयोग अपना स्तर कहाँ पर लेके जा रहा है। श्री भट्ट, ये निम्बार्क संप्रदाय के प्रसिद्ध विद्वान केशव कश्मीरी के प्रधान शिष्य थे। इनका जन्म संवत 1595 में अनुमान किया जाता है, मतलब अंदाज लगाया जाता है कि उसी समय के रहेंगे होंगे। अतः इनका रचना काल संवत 1625 या उसके आगे पीछे तक माना जा सकता है। भाई जन्म के समय से तो कोई कविता करने नहीं लगेगा, अगर इनका जन्म समय माना जाता है 1595 तो लगभग कविता काल इनका अंदाजन 1600 के कुछ आगे पीछे माना जा सकता है। इनकी कविता सीधी सादी और चलती भाषा में है, और प्रायः पद भी प्रायः छोटे छोटे हैं। इनकी कृति भी अधिक विस्तृत नहीं है। युगल शतक नाम से इनके 100 पदों का एक ग्रंथ कृष्ण भक्तों में बहुत आदत की दृष्टि से देखा जाता है। युगल शतक के अतिरिक्त इनकी एक छोटी सी पुस्तक आदिवाणी भी मिलती है। ऐसा प्रसिद्ध है कि जब ये तन्मय होकर अपने पद गाने लगते थे, तब कभी कभी उस पद के ध्यानारूप इन्हें भगवान की झलक प्रत्यक्ष मिल जाती थी, ठीक है।
ये श्री भट्ट जी की विशेषताएं बताई जा रही हैं, थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। आप अगर अपने नोट्स बना रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि जिस कवि की आप अगर विशेषताएं लिखते जाइएगा, भाषा शैली या उनमें क्या प्रमुख बात बताई है शुक्ल जी ने, वही उठाकर हमारे परीक्षाओं में पूछ दी जाती है। जन्म मरण कृतियाँ और उनके बारे भाषा शैली के बाद अगर कुछ पूछते हैं तो कुछ विशेष बात जो भी शुक्ल जी ने बता रखी है वो पूछ लेते हैं। एक बार वे ये मलार गा रहे थे, ठीक है, मलार आप जानते होंगे, भीजत कब देखो इन नैना, श्याम जू की सुरंग चुनरी, मोहन को उपरैना। कहते हैं कि राधा कृष्ण इसी रूप में इन्हें दिखाई पड़ गए और उन्होंने पद इस प्रकार पूरा किया, श्यामा श्याम कुंजतर ठाड़े, जतन कियो कुछ मैना, ठीक है, श्यामा श्याम कुंजतर ठाड़े, जतन किए कुछ मैना, श्री भट उमड़ी घटा चहु दिश से, घिर आई जल सेना। इनके युगल शतक से दो पद उद्धृत किए जाते हैं। देखिए युगल शतक से दो पद और दिए गए हैं, जल्दी से देख लेते हैं। ब्रज भूमि मोहनी मैं जानी, मोहन कुंज मोहन वृंदावन, मोहन जमुना पानी, मोहन नारी सकुल गोकुल की, बोलत अमृत बानी, श्री भट्ट के प्रभु मन मोहन नागर, मोहनी राधा रानी। ठीक है, अगला पद एक और है, चलिए इसको भी देख लेते हैं। बसो मेरे नैनन में दो चंद, अब बसो मेरे नैनन में नंदलाल, अभी आपने देखा बसो मेरे नैनन में दो चंद, ठीक, ये श्री भट्ट जी का है। गोर बदन ब्रस भानु नंदनी, श्याम बरन नंद नंद, गोलोक रहे गोलक रहे लुभाए रूप में, निखरत आनंद कंद, जय श्री भट्ट प्रेम रस बंधान, क्यों छूटे दृढ़ फंद। ठीक है, व्यास, इनका पूरा नाम, एक सेकेंड, इनका पूरा नाम हरि राम व्यास था और ये ओरछा के रहने वाले सनाढ्य शुक्ल ब्राह्मण थे। ओरछा नरेश मधुकर शाह के ये राजगुरु थे। पहले ये गौड़ संप्रदाय के वैष्णव थे, पीछे हित हरिवंश के शिष्य होकर राधा वल्लभी हो गए। ध्यान दीजिएगा, पहले ये क्या थे, गौड़ संप्रदाय के वैष्णव, बाद में राजा राधा वल्लभी हो गए। इनका संबत काल 1620 के आसपास है। पहले ये संस्कृत के शास्त्रार्थी पंडित थे और सदा शास्त्रार्थ करने के लिए तैयार रहते थे व्यास जी। अब देखिए यहाँ पे इनकी ये विशेष बात आपको मिली है, मैं अंडरलाइन करती हूँ तो उसको इरेज करने में लेट हो जाता है, इसलिए टाइम ज़्यादा लगता है, इसलिए मैं अंडरलाइन नहीं करती हूँ। अच्छा, अब बताइएगा, अगर आप अभी भी कहेंगे तो मैं कर दिया करूँगी। पहले ये थे गौड़ संप्रदाय में, फिर राधा वल्लभी हो गए थे, और पहले क्या थे, संस्कृत के शास्त्रार्थी पंडित थे और हमेशा शास्त्रार्थ के लिए तैयार रहते थे। कोई भी मिल जाए तो मतलब तर्क वितर्क तुरंत तैयार है, खंडन मंडन के लिए हमेशा तैयार रहते थे। एक बार वृंदावन जाकर गोस्वामी हित हरिवंश को जी को इन्होंने शास्त्रार्थ के लिए ललकारा। गोसाई जी ने नम्र भाव से ये पद कहा, ठीक है, यह जो एक मन बहुत ठौर करी, कहीं कौने सच पाए। ठीक है, जहां तहां विपति जार जुवती, ज्यो प्रकट पिंगला गायो। ये पद सुनकर व्यास जी चेत गए और हित हरिवंश के अनन्य शिष्य हो गए। उनकी मृत्यु पर इन्होंने इस प्रकार अपना शोक व्यक्त किया, हुतो रस रसिकन को आधार, बिन हरिवंश रस सरस रीति को, कांपे चल ही बार, को राधा दुलरावे गावे, वचन सुनावे कौन उजार, वृंदावन की सहज माधुरी, कहिए कौन उदार। पद रचना अब कापे हुई है, निरस भयो संसार, बड़ो अभाग अनन्य सभा को, उठिगो ठाट सिंगार, जिन बिन दिन छिन जुग सम बीतत, सहज रूप आगार, व्यास एक कुल कुमुद चंद, बिन उड्डन जूठी थार।
है ना, ये पंक्तियां याद रखिएगा, ये शोक में कही गई थी, पूछी जाने की पूरी संभावना है। जब हितवहरिवंश को दीक्षा लेकर जब हितवहरिवंश से दीक्षा लेकर व्यास जी वृंदावन में रह गए, तब महाराज मधुकर शाह ने इन्हें ओरछा ले जाने के लिए आए, पर ये वृंदावन छोड़कर ना गए और अधीर होकर उन्होंने ये पद कहा है। ऊपर का पद ध्यान रखिएगा, मैं फिर से कह रही हूँ हिति, क्योंकि हित हरिवंश जी की मृत्यु के शोक में कहा गया था तो पूछा जा सकता है। वृंदावन के रुख हमारे माता पिता शुभ बंधा, गुरु गोविंद साधु गति मति सुख, फल फूलन की गंधा, इन्हीं पीठ दे अनत ढीठी करे, सो अंधान में अंधा, व्यास इन्हें छोड़े और छुड़ावे ताको परियो कंधा। ठीक है, इनकी रचना परिमाण में बहुत विस्तृत और विश्व वेद के विचार में अधिकांश कृष्ण भक्तों की अपेक्षा व्यापक है। ये अब ये लाइन इनकी विशेष है, ठीक है, ये लाइन विशेष है, पूछी जाने लायक है। इनकी जो रचनाएं परिमाण में मतलब संख्या में बहुत ज्यादा है और जो उनका विषय भी है वो भी बहुत ज़्यादा व्यापक और विस्तृत है। ये कृष्ण की बाल लीला और श्रृंगार लीला के में लीन रहने पर भी बीच बीच में संसार पर भी दृष्टि डाला करते थे, बहुत बड़ी चीज़ है। ये कृष्ण जी की बाल लीला और श्रृंगार लीला में लीन रहते थे, उसके बाद भी ये बीच बीच में संसार पर दृष्टि डाला करते थे, मतलब सांसारिक बातों पर भी ये कुछ लिखते थे। उन्होंने तुलसीदास जी के समान खलों पाखंडियों आदि का भी स्मरण किया है, मतलब उनके बारे में भी लिखा है, और रस गान के अतिरिक्त तत्व निरूपण में भी ये प्रवृत्त हुए। प्रेम में इको इन्होंने शरीर व्यवहार से अलग अतन अर्थात मानसिक या आध्यात्मिक वस्तु का है, ठीक है, इनके हिसाब से प्रेम शारीरिक नहीं मानसिक या आध्यात्मिक वस्तु है। ज्ञान वैराग्य और भक्ति तीनों पर बहुत से पद और साखियाँ इनकी मिलती हैं। इन्होंने एक रास पंचाध्यायी भी लिखी है जिसे लोगों ने भूल से सूर सागर में मिला दिया है, मिला लिया इनकी रचना। थोड़े के थोड़े से उदाहरण यहाँ दिए जाते हैं। आज कछ कुंजन में बरखासी, बादल दल में देख सखीरी चमक चमकती है चपलासी, नानी नानी बूंदन कछु धुरवा से पवन बह सुख राशि, मंद मंद गर्जन सी सुनियत नाचति मोर सभासी। ठीक है, इंद्रधनुष पग पंगति डोलति बोलति कोक कलासी। ठीक, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ शैली में भाषा में आपको अंतर मिलेगा, तो देख लीजिएगा, अंतर को समझिएगा, तभी आप रचनाओं को और आसानी से याद कर पाएंगे। इंद्रवधु छवि छाई रही मनुगिर अरु अनुन घटासी, उमग मही रुह स्यों मही फूली भूली मृगमालासी, रटति प्यास चातक जो रसना रस पीवत हूँ प्यासी, सुगर राधिका प्रवीण बिना वर रास वर रास रच्यो। एक सेकेंड, कंद वृंदावन सरद मंद मंद पवन, कुकसुम पुंज ताप सदवन धुनित कल कुटीरे, रुनित किंकिनी सुचारु नुपुर तिम बल बलय हारु। अंग बर मृदंग ताल तरल भी रंग भीरे, गावति अति रंग रहो मोपे नहीं जात कहो, व्यास रस प्रवाह भयो निरख नैन सीरे। ठीक है, इनकी एक साखी भी है, सुन लीजिए। व्यास न कथनी काम की करनी एक करनी है एक सार, भक्ति बिना पंडित व्रता जो खर चंदन भार, अपने अपने मत लगे बादी मचावत शोर, ज्यो ज्यो सबको सेवो एकई नंद के सोर। ठीक है, प्रेम अतन या जगत में जाने बिरला कोए, व्यास सतन को परसी है पच हार्यो जगरोए, सती सूरमा संत जन इन समान नहीं और, आगम पंथ पे पग धरे डिगे न पावे ठौर।
रस खानव, ये दिल्ली के एक पठान सरदार थे। इन्होंने प्रेम वाटिका में अपने को शाही खानदान का कहा है। देख गदर हित साहिबी दिल्ली नगर मसान छिन। देखिए रसखान जी के बारे में अगर मैं पढ़ाऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा और मुझे थोड़ा सा लेट भी हो रहा है, तो मैं इसके आगे का जो रसखान जी का वीडियो है वो अगले वीडियो में रखती हूँ और आपसे मिलती हूँ कल। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल जी का मैं वीडियो डाल रही हूँ तो मेरे सब्सक्राइबर्स लगातार कम हो रहे हैं। लोगों को ये वीडियोस बिल्कुल पसंद नहीं आ रहे हैं, ना लाइक्स होती हैं ना सब्सक्राइब्स होते हैं। हाँ, कुछ कमेंट करने वाले जो मेरे साथी हैं जो वाकई में इसका मूल्य समझ रहे हैं वो ही मेरे साथ में, तो आप लोग थोड़ा सा शेयर करिएगा ताकि मुझे भी हताशा ना हो। लगातार मैंने जब से ये वीडियोस डाले हैं तब से मेरे सब्सक्राइबर्स कम हो रहे हैं, वरना ये समझिए कि मैं नहीं भी डालती थी तब भी मेरे सब्सक्राइबर्स बढ़ते ही थे। ठीक है, तो थोड़ा सा कोऑपरेट करिएगा, लोगों तक पहुँचाइए, हो सकता है उन्हें अच्छे लगे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।